अप्रैल 2015 मंगोलपुरी नई दिल्ली में मौत का एक ऐसा तांडव हुआ कि बहुत समय तक पुलिस ये समझ ही नहीं सकी कि मौत की वजह क्या है और क्यों है। 3 हफ्ता से दवाई दे रहा है, रोज एक नया इंजेक्शन, लगता है पानी भर के दे रहे हैं। 10,000 रुपया खर्चा कर दिया डॉक्टर पे, पहले 2 ठो बदले, फिर ये डॉक्टर को भी देख लिए। हम कहते हैं किसी बड़े अस्पताल में ले चलिए ना, शायद ठीक हो जाए बचवा। कुछ नहीं होगा वहाँ, यहाँ 10 लगा है, वहाँ 50 लगेगा, हम कुछ सोचते हैं। इसका मुंह तो देखिए, सूखता ही जा रहा है, आधा हो गया है। हम कहते हैं किसी अच्छे अस्पताल में ले चलिए, इलाज में कहीं देर ना हो जाए। अरे चाचा, एक स्पेशल पान लगाओ तो। अरे जनार्दन, बेटे का क्या हाल है? पता नहीं कौन सा बीमारी लग गया है, ठीक ही नहीं हो रहा है। दवा दारू इंजेक्शन सब कुछ करवाया पर कोनो फायदा नहीं। आपको लगता है कोई कर दिया है? का मतलब? इधर आओ, इधर आओ। शुरुआत करते हैं, डॉक्टर को जाना था ना। बस बहुत हो गया तुम्हारा डॉक्टर कंपाउंडर, अब जो हम कर रहे हैं ना करने दो। लिस्ट तैयार हो गया तो फिर कल सुबह का फिक्स रहा। आप जो जो भी सामग्री इस लिस्ट में लिखे हम ले आएंगे, और भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए। अरे थोड़ा आराम से खाओ ना। अरे माँ खा तो रहे है ना, तुम ना माँ कभी नहीं समझोगी, वहाँ टीम फाइनल पहुँचने वाला, प्रैक्टिस चालू है, हमको जल्दी वहाँ पहुँचना है। मैच मैच मैच, जब देखो तब मैच। अरे कुछ पढ़ लिख लिए होते तो आज आदमी बन गए होते तुम। हो गया डॉक्टर, अब जाके देखे किसका फोन बज रहा है। हेलो। हेलो, हाँ दीदी, जनार्दन बोल रहे हैं। अरे जनार्दन, सुनैना कैसी है और हमार बचवा सचिनवा कैसा है? बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं है उसका। कहा हुआ उसको? कब से बीमार है, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? सब कर चुके हैं दीदी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दीदी आज हम को इधर पूजा रखे हैं, सबको बुलाया है, पवन कुंती सब आ रहे हैं। दीदी तुम भी आ जाओ, आके आशीर्वाद दे दो सचिनवा को। हम आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। तुम तो जानते हो ना सचिनवा में प्राण बसता है हमारा, हम अभी आ रहे हैं। माँ हम जा रहे हैं। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? अरे माँ मेरा वहाँ फाइनल मैच है, प्रैक्टिस वहाँ चालू, उनको बजाना बहुत जरूरी है। अरे सुना नहीं, तबीयत खराब है सचिन का, मामा पूजा रखे हैं। अरे तो हम क्या करेंगे वहाँ पे जाके, फाइनल मैच है वहाँ जाना बहुत जरूरी है। एक काम करो तुम चली जाओ ना। अरे जाना जरूरी है, तुम्हारा मेरा भाई है वो। अच्छा ठीक है बाबा, तुमको नहीं जाना तो नहीं जा, कम से कम को बस स्टॉप तक तो छोड़ दे। चलो जल्दी चलो। फोन क्यों नहीं उठाते हैं? क्या आज खेलने नहीं चलोगे क्या? अच्छा कल का मैच देखा तूने? विराट कोहली ने क्या सेंचुरी बनाई? फोन अपनी कमेंट्री बंद किया कर। पता नहीं मम्मी को क्या हो जाता है यार, उसका फोन स्विच ऑफ है ना, फोन कर रही है। जब फ्री होंगी तो कॉल कर लेगी ना तेरे को। अरे यार मम्मी को घर से गए हुए 3 दिन हो गया, फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है ना, फोन कर रही है। मामा से पूछे अपने? मामा का तो फोन भी जा रहा है लेकिन फोन नहीं उठा रहे। पता नहीं लोग फोन क्यों रखते जब फोन उठाना नहीं होता है। अब मुझे जाकर पता लगाना पड़ेगा कि बात क्या है। अरे वासु बेटा कैसे यहाँ? अरे मामा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मम्मी का ना फोन लग रहा है ना कर रही है, मुझे मम्मी से मिल। ए मम्मी, सुनो बेटा, मम्मी कहाँ आई है इधर? मम्मी कहाँ आई है, इधर आई है और किधर आई है? आपने कॉल करके कहा था ना माँ को घर में पूजा है। हाँ हाँ हम फोन किए थे कि पूजा है, वो बोली भी कि आ रहे हैं पर आई नहीं इधर। क्या मजाक कर रहे हो मामा, रुको मैं कॉल लगाता हूँ। आप
जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल बंद है। हाँ प्लीज मजाक मत करो, बताओ मम्मी किधर है। मजाक लग रहा है तुमको? विश्वास नहीं हम पे? नहीं ना। ए कुंती, मौसी से पूछो, कुंती आई थी रश्मि दी यहाँ पे? बताओ, नहीं पूछो, मौसा जी से पूछो, मेहमान जी आई थी दीदी? ठीक है, इधर नहीं है तो फिर किधर गई? और मामा एक बात बताओ, जब मम्मी कॉल करके यहाँ पे नहीं आई तो मुझे कॉल तो करना चाहिए था ना आपको। हम फोन किए थे रश्मि दीदी को, हाँ वो बोली कि हम आ रहे हैं, नहीं आई, हम समझे बीमार हैं। अब नहीं आना इसमें जबरदस्ती तो नहीं है ना? और ये पुलिस की तरह का है पूछताछ कर रहे हो जी, पगला गए हो क्या? ए जी कुछ चाय भाई पिलाओ। पुलिस की तरह पूछताछ कर रहे हैं ना? ठीक। ए बासु, अरे मतलब अब छोटा लड़का हमको सिखाएगा? हाँ सर, तीन दिन पहले माँ मंगलपुरी आई थी, माँ को मैंने खुद बस पे चढ़ाया है सर। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे मामा ने फोन करके तुम्हारी माँ को मंगोलपुरी बुलाया था? जी सर। जब ये फोन आया था तब तुम अपने माँ के साथ थे? हाँ सर, माँ के साथ था, माँ ने मुझे बोला भी चलो मामा घर, लेकिन लेकिन क्या? वो हमारे मोहल्ले मैच चालू था सर, तो मैंने माँ को बोला तुम चल जाओ, हम नहीं जा पाएंगे। तुमने पहले बताया कि तुम्हारे मामा के यहाँ कोई पूजा चल रही थी, क्या पूजा थी वो? वो सर मामा का बेटा सचिन, उसका कुछ हफ्तों से तबीयत ठीक नहीं था, तो मामा ने घर में पूजा रखवाया। सर माँ को घर से गए हुए तीन दिन हो गए, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर, प्लीज कुछ करो सर। ये तुम्हारा मामा? नहीं, ये हमारे मौसा जी हैं। जनार्दन का है, देखो अंदर देखो। सब ऑटो लेके काम पे गए। अच्छा, कब काम से कब वापस आप? साहब का टाइम फिक्स नहीं है कभी। साहब वासु क्या बात है? सर ये हमारे मामा जी हैं। इसकी मम्मी को फोन करके तुमने यहाँ बुलाया था? बुलाया तो था लेकिन कहाँ है वो? सर ने कुछ पूछा ना? हमसे क्या पूछ रहे हैं सर? जो पूछ रहा है इससे पूछिए, इसको सब मालूम है। हमसे पूछिए, हमको क्या मालूम है? मालूम नहीं है तुमको? अरे हमारे दीदी का जिंदगी चौपट कर दिया तुमने और मालूम नहीं है तुमको? दिन भरा भरा कर दी, न पढ़ाए न लिखाए। अरे साहब हमारी रश्मि दीदी का जिंदगी इसने नरक बना दिया था। हम काहे झूठ बोल रहे हो, काहे बकवास कर रहे हो आप? बकवास कर रहे हैं हम? एक मिनट सर, एक मिनट, अभी बताते हैं कि हम बकवास कर रहे हैं। देखिए सर, देखिए इसकी मम्मी ने कहा लिखा, देखिए क्या है चिट्ठी। प्यारे वासु, हम तुम्हारे तौर तरीके से तंग आ गए, बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई काम, ना पढ़ाई, ऊपर से तुम्हारा खर्चा, कभी दारू कभी क्रिकेट, हम तंग आ गए हैं। जनार्दन को बोल के हम काशी निकल रहे हैं, हमको खोजने की कोशिश नहीं करना। जनार्दन को बोल दिए हैं कि तुमको तुरंत ना बताने को, हमको भूल जाओ। तुम्हारी माँ, यह हैंडराइटिंग तुम्हारी माँ की है? सर दिखने में तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये बकवास कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं साहब? ये अपना भांजा है, सगा खून है। अरे हमारी रश्मि दीदी तो इसकी नालायकी बताते बताते रो देती थी, विश्वास नहीं हमसे तो पूछिए हमसे। ये हमारी छोटी बहन है कुंती, और ये हमारी वाइफ काजी। रश्मि दीदी नहीं बोलती थी कि भगवान ने हमको वासु नहीं नरक दिया है? अरे मामा काया झूठ बोल रहे हो, अरे बकवास कर रहे हैं। देख रहे सर, कोई लिहाज नहीं, अपने मामा को ही मार रहा है। हाँ बस बस देखो, चुप, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, जो भी सच्चाई है उसका पता चल जाएगा। चलो वासुदेव के कारण माँ चली गई, या मामा ने एक बहन को एक बुरे बेटे से निजात दिलाई, या फिर यहाँ पर कोई बहुत ही गहरी साजिश थी। फिलहाल वासु अपनी माँ के काशी जाने की बात और अपने बुरे होने की बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। सर वो मामा जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है सर, वो झूठ बोल रहा है। क्यों गलत बोलेगा वो? हाँ क्या वजह उनके झूठ बोलने की? पता नहीं सर, लेकिन इतना पता सर वो झूठ बोल रहे हैं। सर मैंने आज तक किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। सर मामा मुझसे बहुत प्यार करती है, मामा झूठ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। अगर आप चाहो तो मेरे मोहल्ले में जाकर किसी से ही पूछ लो, या मेरे एरिया के थाने में किसी से जाकर पूछ लो, मेरे नाम का कोई भी शिकायत या कोई भी आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी। लेकिन मामा झूठ क्यों बोलेगा? नहीं सर, वासु सिगरेट दारू कुछ नहीं पीता था। हाँ पढ़ाई में अंडा था, पर क्रिकेट का फुल दीवाना था। उसका उसकी माँ के साथ कोई झगड़ा था क्या? नहीं साहब। रश्मि काशी क्यों जाएगी?
अभी पिछले हफ्ते ही तो वो मुझसे कह रही थी वासु की कहीं नौकरी लग जाएगी तो वो उसकी शादी कर देगी। माँ बेटे में कोई तनाव या किसी बात को लेकर कोई टेंशन? वैसे हमने कभी कोई लड़ाई झगड़ा देखा नहीं। सर सर वो मेरी माँ के बारे में कुछ पता लगा क्या? सर सर एक मिनट सर, मेरी माँ का फोटो है सर, प्लीज कुछ पता लगाओ। ठीक है देखते हैं, रखो। गाड़ी मंगोलपुरी की तरफ ले चलो। मंगोलपुरी? हमें मंगोलपुरी में ही पूछताछ करनी होगी, जहाँ वो औरत अपने भाई जनार्दन के घर गई थी। वहाँ पे हमें यह पता लगाना होगा कि दोनों भाई बहन के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था, या कोई अनबन तो नहीं हुई। तीन दिन पहले हमने एक लाश को जलते हुए देखा था, वो अपने शमशान है ना वहां पर। लाश को जलते देखा? जी। तो क्या साहब, रात में सूर्य ढलने के बाद कोई लाश जलाता है क्या? सर रात का 1 बज रहा था, इसलिए हमने कहा आपको। 1 बज रहा? नाले की तरफ चलते, तुम चलो हमारे साथ। हमने क्या हुआ साहब? तुम यहाँ पर इंचार्ज हो? हाँ साहब। यहाँ 3 रात पहले तुमने कोई लाश जलाई थी? हाँ साहब जलाई थी। किसकी? नाम तो नहीं मालूम साहब, पर वो ऑटो ड्राइवर है ना जनार्दन, वो किसी को लेके आया था जलाने। मैं सो रहा था साहब, बाहर आया तो देखा लाश जलना शुरू हो गया था और उनके साथ कुछ लोग भी थे। टाइम क्या हो रहा था? 1 के करीब बज रहा था साहब। इतनी लेट लाश जलाते हो आप लोग? जलाते तो नहीं साहब, पर कोई रोक भी नहीं है। लाश किसकी थी? नहीं मालूम साहब, जब मैं आया तो देखा लाश जल रही थी ये, और ये राख उसी की है। लाश को जलाते वक्त कोई एंट्री की थी तुमने? साहब वो मैं नींद में था, इसलिए पर्ची बाद में बनाया। कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया उन्होंने? मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी या दारू चढ़ा रखी थी? इसको गाड़ी में बैठा। अरे साहब पर मैंने क्या क्या किया है? इस राख का सैंपल फॉरेंसिक में भेजो। ओके सर। और जनार्दन और वासु को भी बुलाओ। ओके सर। सर हम बोल रहे हैं सर। सर ये सुनाना बंद कर और बता किसकी लाश जलाई थी उस दिन? सर किसकी लाश? रश्मि दीदी। अब याद आया तुझे? पहले तो कह रहा था काशी गई है, अब कह रहा है मर गई। नहीं सर, वो काशी जाने वाली थी पर सुबह सुबह बहुत तबीयत खराब हो गई थी उनकी। कहानी सुनाना बंद कर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, रश्मि दीदी को अस्थमा था, आप चाहे तो वासुदेव से पूछ लीजिए। उन्होंने काशी जाने की बात कही, चिट्ठी लिखी और फिर उनका सांस जोर जोर से फूलने लगा सर, फूलने लगा और वो मर गई सर। हम लोगों के तो होश उड़ गए सर, हाथ पांव ठंडे पड़ गए सर। हमने वासु को कॉन्टेक्ट भी करना चाहे सर, पर वो नॉट रीचेबल था सर। लाश कहीं सड़ ना जाए इसलिए जलाना पड़ा सर। तो जब वासु तुम्हारे घर पे आया तो उसे ये बात क्यों नहीं बताई तुमने? सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दीदी उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी, एकदम नालायक लड़का है। कोई कहानी हो ना तुम्हारे पास सोच के रखना, और तेरी ये अस्थमा वाली कहानी अगर सच नहीं निकली तो तेरी कहानी मैं बनाऊंगा। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर। सर वासु क्या तुम्हारी माँ को अस्थमा था? जी। क्या हुआ? देखो वासु, तुम्हारे मामा ने हमें यह बताया कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है अस्थमा से, और उन्होंने लाश भी जला दी। नहीं सर, हमारी माँ नहीं मर सकती सर। माँ को अस्थमा था, उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन सर उनकी इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी, क्यों मर जाए सर? मेरी माँ नहीं मर सकती। सर राख का सैंपल मैंने फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। वासु ने भी ये कंफर्म किया है कि उसकी माँ को अस्थमा था। लेकिन सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वासु की माँ को अस्थमा का ऐसा अटैक पड़ा कि डॉक्टर तक को बुलाने का मौका नहीं मिला, और इतनी भी क्या जल्दी थी कि बिना बेटे को बताया लाश जला भी डाली, वो भी रातों रात। यह जनार्दन भी बार बार अपना बयान बदल रहा है, इसे 2 दिन की रिमांड में लो।
इससे थोड़ी और पूछताछ करनी पड़ेगी। सर यह जरूर कुछ छिपा रहा है, क्योंकि इतनी सफाई से कहानी वही सुना सकता है जो या तो सच बोल रहा या फिर पूरी तैयारी के साथ कुछ छिपा रहा। पहले खत, फिर अस्थमा के कारण एक महिला की मौत और फिर आधी रात में उसका अंतिम संस्कार। घटना के इस क्रम में इंस्पेक्टर रघुवीर को एक साजिश नजर आ रही थी। जनार्दन की पुलिस रिमांड खत्म होने को थी, लेकिन रश्मि की मौत की वजह अभी तक पता नहीं चल पा रही थी। पुलिस को अब इंतजार था कुछ ऐसे सबूतों का जो इस गुत्थी को सुलझा सके। सर इस जनार्दन का क्या करना है? रिमांड पूरी हो गई है उसकी। कुछ और बताया उसने? नहीं सर, वही अपना पुराना स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर रहा है। बहन बीमार थी, दमा था, उल्टी हुई, वही सर। जाने दो उसको, पर उस पर नजर रखवा। मुझे शक है यहाँ कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हो सकता है उसके बाहर निकलने से हमें कोई सुराग मिल जाए। जाने दो सर। इका, इसको भी खून का उल्टी? इसका हालत तो सचिन वा की तरह ही बिगड़ता जा रहा है। टेम्परेचर भी नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर से उल्टी दस्मों भी हो रहा है। हम कहते हैं इसका बड़ा अस्पताल में लेके चलिए ना। वहाँ पुलिस वाला हमको 2 दिन बैठा के समय बर्बाद किया, और ये हमारा बच्चा सब इस सब बासु के चक्कर में हुआ है। हमको कुछ नहीं सुनना है, दोनों का अस्पताल लेके चलिए। अरे वहाँ कुछ नहीं होगा। तो कहाँ होगा? हमको मालूम है कहाँ होगा। कल सुबह को पूजा है, आपको आना है। हाँ अरे रेखा दीदी, कल सुबह को पूजा है, आपको आना है, ठीक है? किस बात की पूजा? तुम्हारे घर तो सूतक चल रहा है ना। हाँ दीदी, उसी के लिए पंडित जी बोले हैं कि पूजा कराना जरूरी है, आप आइएगा जरूर। हाँ? अरे दीदी अरे 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 तुम रत्ना दीदी, कल सुबह को पूजा है। अच्छा, आप आइएगा जरूर, इधर से सब लोग आ रहे हैं। पूजा किस बात की? दीदी का स्वर्गवास हो गया ना, तो उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए। ठीक है आते हैं जी। हाँ। जनार्दन की बीवी बार बार बड़े अस्पताल और मॉडर्न चिकित्सा की गुहार लगा रही थी, लेकिन जनार्दन अपनी जिद और अपने अंधविश्वास के आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। सर ये उस राख की फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो हमने शमशान से कलेक्ट की थी। ये क्या, राख में किसी बॉडी के कोई अवशेष नहीं मिले? इसका मतलब सिर्फ लकड़ियां जलाई गई थी। मुझे पहले से शक था कि यह जनार्दन कोई कहानी सुना रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। क्या? ठीक है सर, अपने खबरी का फोन था, कह रहा था जनार्दन क्या फिर से कोई पूजा चल रही है, इलाके की बहुत सारी औरतें जमा है। पिछली बार जब पूजा हुई थी तो रश्मि गायब हुई थी, और इस बार चलो। सबके माथे में लगा दो। जी पंडित जी। ये क्या है? अरे लगा लो वरना शगुन होगा। जी पंडित जी। घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा, हिम्मत रख हिम्मत। ओझा जी, इनमें से कौन?
सर, सर कुछ नहीं मिला सर। सर इधर कोई नहीं है, लगता है सब भाग गए और अवे भी निकले हैं। सामान भी ठीक से नहीं समेटा है। चलो बाहर पूछताछ करते हैं, किसी ने आते जाते देखा होगा। सर एक मिनट। ये जमीन देख रहे हो, ये पूरा आंगन सीमेंटेड है, कंक्रीट का है, और ये हिस्सा ऐसा लग रहा है कि इसे रिसेंटली खोदकर भरा गया। खुदवाओ इसको। ये मेरी माँ का फोटो है। ये रश्मि है, वासु की माँ। इसके हाथों में ये चोट के निशान भी हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके बेटे को इन्फॉर्म करो, वो वासु। वासु की माँ अंधविश्वास की बलि चढ़ गई और शायद अपने ही सगे संबंधियों के हाथों, और अब एक और अबला नारी उन दरिंदों की गिरफ्त में थी। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी और उम्मीद थी कि इस बार देर नहीं होगी, इस बार अंधविश्वास का राक्षस किसी को नहीं खाएगा। और कौन कौन गया था? सर सभी लोग गए थे, राधा, आरती, शिखा की माँ। अब आप ही बताइए सर, पड़ोस वाली बात है, किसी को मना तो कर नहीं सकते ना। साथ में कोई पंडित भी था? हाँ ना सर, वही जो हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ करवाता है, निरंजन, निरंजन पंडित नाम है उसका, वही था। कुछ तो पता होगा ना कहाँ गए ये लोग। नहीं साहब, उन लोगों के निकलने से पहले ही हम लोग निकल गए थे। क्या पता सर कहाँ गए, अभी इधर ही अपने घर में पूजा करवा रहे थे। कल तक एक बेटा बीमार था, अब दूसरा भी बीमार हो गया। सर, सर पूजा तो हुई थी, लेकिन जनार्दन और उसके परिवार वाले कहाँ गए इसका कोई पता नहीं। ये मामला उलझता ही जा रहा है, हमें अर्जेंटली कोई स्टेप उठाना होगा। वो बच्चा गायब हुआ, फिर लाश आंगन में मिली। साहब, साहब चार घंटे से साहब मेरी घरवाली मेरे घर नहीं आई साहब। तो थाने जाओ ना, रिपोर्ट लिखवाओ। मैं थाने में ही जा रहा था, मैंने आपको इधर देखा था, मैं सोचा इधर ही बता दूं साहब, पूजा में गई थी वो। क्या पूजा? कौन सी पूजा? वो जनार्दन घर पूजा था साहब, वहीं गई थी। नाम क्या था उसका? रत्ना। निरंजन पंडित साहब, मुझे मालूम है साहब वो कहाँ रहता है। टायन कभी अकेले काम नहीं करती, जोड़े में काम करती है। ये औरत जोड़ीदार है उसकी। इसका इलाज करो, जब तक इसका इलाज नहीं होगा तब तक तुम्हारे बेटों पर इसका प्रकोप रहेगा। आप बोलते जाइए ओझा जी, हम सब करेंगे। इसका इलाज जरूरी है, तेरे बड़े बेटे पर घात लगाए बैठी है, लेके जाएगी उसे। लेके जाएगी? अरे इसका तो हम प्राण सुखा देंगे। इधर देखो, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हम डायन नहीं है, हम डायन नहीं है। हाँ बोल। सर अपने खबरी का फोन था, उसने जनार्दन और उसके परिवार वालों को जमुना नदी के पीछे वाले खंडहर में देखा है। साहब मेरी बीवी होगी वहां पे, उसके साथ दो बच्चे भी थे। कहाँ रहा तेरे को बाबा? बाबा!
सचिन को। ए बेटा सचिन, मार दिया इसको, अब तो उनको तो बचा लीजिए। जब तक जोड़ीदार जिंदा रहेगी मौत तो होगी, जान तो जाएगी। रत्ना, 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 जिंदा है सर, सांसें अभी भी चल रही हैं। ये तो मर गया। एम्बुलेंस बुलाओ और आसपास का सारा एरिया छान मारो जल्दी। क्या देखा था तुमने? जब तक जोड़ीदार जिंदा रहेगी मौत तो होगी। नहीं छोड़ेगा हम। अरे कोई देख लिया है? अरे उठो, भागो यहाँ से, भागो। चलो यहाँ। नहीं हम नहीं जाएंगे। छोड़ो उसको। नहीं हम नहीं जाएंगे। हमरा बच्चा सचिन। जब मैं आपका नंबर ट्राई कर रहा था, इतने में मैंने देखा वो लोग दूर उधर जंगल से भाग रहे थे। सर, अंदर कोई नहीं मिला सर। लगता है वो लोग निकल गए सर। आसपास के सारे क्लिनिक, सारे हॉस्पिटल छान मारो। जनार्दन के दो बेटे थे ना सर, एक मरा है, दूसरे को बचाने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा और शायद किसी हॉस्पिटल में जाए। कम ऑन, क्विक, चलो। सही समय पर पुलिस की कार्रवाई से वक्त रहते रत्ना को अस्पताल पहुंचा दिया गया और जनार्दन अपनी बीवी और एकमात्र जीवित बच्चे को लेकर भाग निकला। वो इतना विवेक शून्य हो गया था कि उसने अपने 8 साल के बच्चे की लाश भी वहीं पर छोड़ दी और इधर पुलिस ने उनके लिए चारों तरफ रेड अलर्ट जारी कर दिया था। इस इन्वेस्टिगेशन को एक सही और पुख्ता दिशा मिली इंस्पेक्टर के इस तर्क से कि अब वो हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक में मिलेंगे। सर, ये बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हॉस्पिटल से और क्लिनिक से कुछ पता चला? अभी तो नहीं सर, चार टीमें निकली हैं अपनी। पर सर, क्या आपको लगता है कि ये लोग अब हॉस्पिटल जाएंगे? हाँ, अब जाएंगे हॉस्पिटल। तांत्रिक को तो ट्राई कर लिया, बच्चा बचा नहीं, अब वो हॉस्पिटल ही जाएंगे। देखिए ना, हमारा बच्चा कितना सीरियस है, कितना तबीयत खराब है उसका। डॉक्टर को बोले ना एक बार देखने के लिए। डॉक्टर अभी है नहीं, आप लोग बाद में आना। कब बाद में आना? जब हमारा बच्चा मर जाएगा तब। सिस्टर, डॉक्टर साहब को बुला दीजिए, देखिए ना बच्चा कितना बीमार है। सिस्टर, क्या हुआ, क्यों चला रहे हैं? आपको पता नहीं हॉस्पिटल है? हमारे बच्चे की हालत बहुत खराब है डॉक्टर साहब। बताइए तब से तबीयत खराब है। हफ्ता हो गया डॉक्टर साहब। और आप अब लेकर आ रहे हो, दिखता नहीं बच्चा कितना खांस रहा है, कितनी तबीयत खराब है इसकी। सिस्टर, ब्लड टेस्ट की तैयारी करो। ये सब आपके कारण हुआ है। सचिन माँ को भी यहाँ ले आते तो आप ठीक हो गया होता। वो बाबा के चक्कर में सब सब तैनाश हो गया। रश्मि दी, रत्ना, हम अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाएंगे। दिमाग खराब हो गया, चुप रहो। हाँ, दिमाग खराब हो गया, इतना सब होने के बाद कहाँ से दिमाग ठीक होगा। सही कहा उसने, दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं रह सकता। ले चलो इन सबको। सर, मैं सब कुछ बताता हूँ सर, पर एक विनती है, हमारे बेटा सोहन को हॉस्पिटल से मत लाइएगा, नहीं तो वो भी मर जाएगा सर। अपने बाप होने का झूठा नाटक मत कर मेरे सामने। अगर इतनी फिक्र थी अपने बच्चे की तो फिर अपने पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गया? हाँ, बाबा के पास क्यों गया था? सच सच बता मुझे। बताओ सर, सब बताता हूँ। हमारा छोटा बेटा सचिन बहुत दिनों से बीमार चल रहा था सर। घर के पास के डॉक्टर को भी दिखाया, दवा दारू इंजेक्शन सलाइन सब सब दिया गया सर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब जब डॉक्टर काम नहीं आए तो क्या करते हैं? ऐसे में हमारा एक दोस्त बोला
कि हमारे बच्चे पे किसी ने कुछ कर दिया है। बिहार से हो ना? है तो क्या वहाँ डाइन जोगी नहीं होता क्या? नहीं होता तो है, पर यहाँ दिल्ली में ये सब। वहाँ डाइन हो सकता है तो यहाँ का नहीं हो सकता है? भूत प्रेत डाइन सब होता है और हर जगह होता है, पर उसका इलाज किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं होता है। उसके लिए एक खास आदमी होता है जो डायन को झाड़ता है और उसका कोप काटता है। है हमारे पास एक आदमी, देते हैं तुम्हें नंबर उसका, नोट करो। निकालो फोन। कुछ कर दिया है मतलब? सर वही जादू टोना, और उसी ने ओझा का नंबर दिया सर। फिर ओझा ने कहा डॉक्टर का खेला नहीं है, शैतान घुसा है, डायन का प्रकोप है। हम तो कह रहे थे एक बार जरा करो, जाओ चाय लेके आओ। डायन? कौन डायन? हमारे खानदान की है, बच्चों से हिली मिली है एक औरत, बच्चों कुछ खिला दिया है। तुम्हारे दोनों बच्चों को देखकर उसकी छाती फटती है, खिला गाड़े है तुम्हारे घर पर, इसलिए तो ऐसी हो रहा है। डायन है डायन। तो कुछ कीजिए ना ओझा जी। हम क्या करेंगे, सब तुमको करना है। अपना पूरी फैमिली को बुलाओ, सबको देखूंगा, हवन करूंगा और निकाल लाऊंगा उसको डायन। रश्मि दीदी बहुत अच्छी थी, सचिन माँ का बहुत ख्याल रखती थी। बाबू, ना बेटा, जल्दी से दवा लाओ इसका। देखो पानी देख रही हो ना, क्या हालत हो गया इसका। तब से बोल रहे पढ़ के अस्पताल ले जाओ, सुनते ही नहीं हो तुम लोग। रश्मि भी हमको बोली थी सचिन माँ को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए, हम इनको बोले भी समझाए भी, पर वो ओझा के चक्कर में। हे भगवान, कहाँ होंगे सचिन को? हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पूजा खत्म होगा हम काढ़ा बना देंगे तुम्हारे लिए, खा के तुरंत बोलने लगेगा। क्या कर दे तुमको तो हम अपना समझे थे ना, अपने ही घर में टोना टोटका कर डाली तुम, शर्म नहीं आया तुमको? सचिन माँ तो तुम्हारे बेटा जैसा था ना, इसमें ही टोटका कर दिया तुमने। चुप कर, काम के जा रहा है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ना, पहले खराब था दिमाग, अब ठीक है। घर में किला ठोकी है, किला समझ गए, घर को बर्बाद कर देगी, पूरा घर को। चुप कर ये पंडित जी, अरे देखिए ना क्या बोल रहा है ये। ये तो कह रहा है आया ना तू डायन। हे बाबू, ये पंडित ना कह रहा है तुमको, इसके पैगामे मत आना बाबू, बहन पढ़ते हैं बाबू। हे बाबू, हे बाबू, ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। हे बाबू, हे बाबू, जीवित नहीं छोड़ेंगे। अरे कोई बात को बुला भैया, ये तो मर गई, निकल गई, डायन की आत्मा निकल गई। अच्छा हुआ मर गई। अरे आज ही मेरे बच्चे को डस रही थी, कल तुम लोगों के बच्चे को खा जाती, जिंदा रह के करती भी क्या, डायन थी डायन। ओझा जी अब आगे क्या? घर के सामने गाड़ देना,
तीन हफ्ते तक तर्पण और उसके बाद डायन की आत्मा विलीन हमेशा के। लेकिन इस पूजा से हमारा बेटा सचिन के सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि हमारा दूसरा बेटा सोहन भी बीमार रहने लगा। कुछ समझ में नहीं आया, फिर वो झा के पास चले गए। डायन हमेशा जोड़े हुए काम करती है, जोड़ी जाए डायन को ढूंढना होगा। कल ही करते हैं पूजा, इंतजाम करो। और हाँ, इस बार आस पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा कर लेना, जोड़ीदार डायन पक्का करके आसपास है। कल की पूजा में मैं हल्दी और सरसों के तेल का एक लेप दूंगा, सारी औरतों के माथे पे लगवाना होगा। जिसका माथा चमकेगा वही होगी जोड़ीदार डायन। यही है जोड़ीदार। सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर, हमारे अंधविश्वास के वजह से रत्ना जैसी निर्दोष औरत मारी गई। रत्ना मरी नहीं है, जिंदा है, हॉस्पिटल में। तुम्हारी इस पूरी कहानी में एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम्हारी बहन के हाथों लिखा वो लेटर, वो तुम्हारे पास कैसे आया? हमारी और रश्मि दीदी की लिखावट बिल्कुल एक जैसी है, वो लेटर हमने लिखा था सर। ये सब कांड ओझा के चक्कर में हुआ, उसी ने हमसे सब करवाया सर। ये ओझा की वजह से नहीं हुआ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अंधविश्वास पर भरोसा किसने किया? तुमने। उस ओझा पर विश्वास किसने किया? तुमने। ठीक से सोचो जनार्दन, उसने तो अपने हाथ से एक खून भी नहीं किया, वो भी उसने तुमसे करवाया। तुम्हारा बेटा सचिन, तुम जानते हो उसे क्या हुआ था? टीबी। एक छोटी सी बीमारी जो आसानी से ठीक हो जाती है। आजकल सरकारी अस्पताल में उसकी मुफ्त दवाई मिलती है, अगर तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते तो वो ठीक हो जाता। उसके मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। हेलो, हमारा बेटा सोहन बहुत बीमार है ओझा जी, कुछ कीजिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता, सुन फोन काट, फोन काट दू। एक लाख तक खर्चा करेंगे ओझा जी, एक लाख तक। लाख रुपए? सुन एक काम कर, तू गुड़गांव आ जा शाम को 5 बजे, जो मेट्रो स्टेशन के पीछे सुनसान वाली गली है ना वहाँ पे। और देख बी बच्चों को लेके आना और किसी को नहीं। ओझा जी बच्चा कहाँ है? भी, भी। वो हॉस्पिटल में हो जा बाबू। पकड़ पकड़ इसको, पकड़ो। जनार्दन और उसके परिवार के सभी सदस्यों को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया और उन सभी पर कानून द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। अंधविश्वास वो अंधेरी खाई है जिसका ना ओर है ना छोर, वहां ना ज्ञान की रोशनी पहुंचती है और ना ही तर्क का तारा चमकता है। डायन, जोगिन, भूत प्रेत, इसका तर्क, इसका विज्ञान कुछ भी हो, लेकिन इंसान की जिंदगी का विज्ञान
तर्क और इंसानियत के रास्ते ही चलता है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जीवन को विवेक, तर्क और ज्ञान के आधार पर जिएं, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर जिएं, और अगर कहीं भी इससे उलट होता दिखाई दे तो अपनी आवाज जरूर उठाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।